नमस्कार दोस्तों, मैं रुंजा फिर आपके सामने एक पेपर लेके आया हूँ जिसमें मैं नेटवर्क और मेज़रमेंट के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इस पेपर में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने नेटवर्क और मेज़रमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है हमारी कोचिंग का जो टेस्ट है उस टेस्ट में ही इसके क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज 28 है वैसे तो, लेकिन अभी ये वैसे आप देखेंगे तो तीसरा पेपर आपको दिखेगा जो कि मैंने टेस्ट के रूप में इसमें डाला हुआ है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको मशीन और नेटवर्क का पेपर सॉल्व कराया था। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो टोटल आपको 70 क्वेश्चन इसमें अप्रोक्स दिए गए, लेकिन ये 70 हमें नहीं पढ़ना, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 58 तक जो क्वेश्चन है। इसके बाद कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेक्निकल पार्ट आपको कवर कराने वाला हूँ, तो आप समझिएगा कैसे हम लोग इसे हैंडल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें देखिए आप, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो दिया है इस पेपर में कि द मीटर यूज फॉर द मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किस मीटर का यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये होता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर। डैम्पिंग टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस, डैम्पिंग टॉर्क किस में प्रोड्यूस होगा, एडी करंट, ग्रेविटी कंट्रोल, थर्मली या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो दोस्तों डैम्पिंग टॉर्क में आपका एडी करंट होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है और आपका एयर फ्रिक्शन होता है। तो एडी करंट, फ्लूइड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन ये आपके डैम्पिंग टॉर्क होते हैं, तो इसका आंसर हो गया एडी करंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट इज यूज फॉर द ऑपरेशन ऑफ, तो इलेक्ट्रोडायनामिक जो इफेक्ट होता है ये वाट मीटर पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स आंसर हो गया इसका, जैसे डायनोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ये सब वाट मीटर। ओके, केमिकल इफेक्ट इज यूज फॉर द ऑपरेशन ऑफ, जो केमिकल इफेक्ट होगा इज यूज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ, किस ऑपरेशन पर निर्भर करेगा, ये एम्पियर्स आवर मीटर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज, ये एसी डीसी दोनों में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्रीवियस अगर मेरे वीडियो शुरू के देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारा आपको समझाया है, मूविंग कॉयल, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंडक्शन इफेक्ट के बारे में, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मेजरमेंट में जो मेथड यूज़ करते हैं वो सारे इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सर्च करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसलिए आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का होता है, दोस्तों ये होता है रोबस्ट। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता। नेक्स्ट है द मीटर यूज फॉर द मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस मीटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए करते हैं, किलो वाट आवर मीटर हो जाएगा क्योंकि एनर्जी है, किलो वाट आवर। द स्पीड ऑफ द एनर्जी मीटर कैन बी कंट्रोल बाय, तो अगर किसी स्पीड को कंट्रोल करना है तो ये किसके द्वारा करेंगे, ये करेंगे हम लोग शेडिंग बैंड के द्वारा, किसके द्वारा, शेडिंग बैंड। और लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, इनमें से कौन सा मल्टीमीटर जो होगा वो सेंसिटिव और एक्यूरेट होगा, ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है वाट मीटर मेजर, वाट मीटर क्या मेजर करेगा, तो वाट मीटर जो है ये मेजर करता है आपका ट्रू पावर, क्या मेजर करेगा, ट्रू पावर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए हम लोग करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन को बताता है। ठीक, क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगर इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, जो मैगर होता है इसका उपयोग करते हैं हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेजर के लिए, है ना, इस प्रकार से हम लोग इसमें बोल सकते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जहाँ पे इंसुलेशन हो जाए, दैट मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, द ईएमएफ ऑफ द वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल इज मेजर्ड यूजिंग द, तो ईएमएफ होता है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल में किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ये होता है पोटेंशियोमीटर मेथड, इसमें होता है आपका वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। ओके, द क्रीपिंग इज ऑब्जर्व इन, क्रीपिंग किस में होगा, ये आपका बेसिक बेसिक पॉइंट है। क्लियर, तो क्रीपिंग होता है आपका वाट आवर मीटर यानी कि एनर्जी मीटर में। शीरिंग ब्रिज इज यूज, शीरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर, इसका उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों कैपेसिटर के मेजर करने के लिए, तो कैपेसिटर में दो प्रकार के मेथड होते हैं, डीसीओटी ब्रिज, शीरिंग ब्रिज, और शीरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस के फॉर्म में, क्योंकि कैपेसिटर है डाइलेक्ट्रिक होगा। लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा। द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस इज डन बाय, एब्सोल्यूट जो मेजर करते हैं तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंज मेथड। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे आप, लॉरेंज मेथड का उपयोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर शुड बी, द इंटरनल रेजिस्टेंस जो अमीटर का होगा वो होगा आपका वेरी स्मॉल। ठीक है ना, इसी प्रकार से वोल्ट मीटर उसका बहुत हाई होगा। टू मेजर द फ्लक्स डिवाइस इज यूज ऑन द बेस्ड ऑन, फ्लक्स को अगर आपको मेजर करना है तो डिवाइस जो होगी वो किस इफेक्ट पर काम करेगी या किस पर डिपेंड करेगी, ये है हॉल इफेक्ट। नेक्स्ट है अ मिली अमीटर कैन बी यूज एज, मिली अमीटर है ना, मिली अमीटर जो होता है, मिली अमीटर वो किसकी तरह काम करता है, तो दोस्तों
ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मिलीमीटर की कभी बात आ जाए वोल्ट मीटर मीटर की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज अ लीनियर स्केल, किसमें लीनियर स्केल होता है, दिस इज अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन सी करेक्ट। द वोल्ट मीटर यूज द मीटर विद अ 2 mA एंड सेंसिटिविटी, आपको पता होना चाहिए जो सेंसिटिविटी होती है ये करंट का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1/2 mA है, मिली ऊपर जाएगा 1000 × 2 दैट मीन्स 500 Ω/V, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ओम पर वोल्ट 500 Ω/V, दिस इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट मीटर, ठीक है, ये करंट मीटर की तरह कौन सा नहीं, तो थर्मोकपल में नहीं होता, करंट मीटर हो गया इसलिए यही नहीं होगा करंट मीटर। क्लैंप ऑन अ मीटर इज यूज टू या यूज फॉर, क्लैंप ऑन अ मीटर हाई एसी करंट के लिए क्लैंप ऑन अ मीटर का उपयोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मेजर एसी एज वेल एज डीसी, इसका उपयोग एसी डीसी दोनों को मेजरमेंट करने के लिए नहीं करते, इंडक्शन टाइप मीटर। इंडक्शन टाइप सिंगल फेस एनर्जी मीटर जो है ये किस प्रकार का, ये ट्रू पावर, ये ट्रू वाट आवर मीटर, ठीक है, सिंगल फेस एनर्जी मीटर है तो वाट आवर मीटर हो गया, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की अगर आपसे बात करते हैं तो भाई ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के कई सारे एग्जाम में भी आ सकते हैं, आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। लो करंट हाई वोल्टेज होता है तो आप देख लेंगे लो करंट, क्लियर। इसकी सेंसिटिविटी सीआरओ की सेंसिटिविटी जो होगी वो कितनी होगी या किस पर डिपेंड, मीटर पर वोल्ट। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर इन अ इलेक्ट्रोडायनामीटर, दोस्तों ये टेन फाइव टेन बीटा होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है वाट मीटर हैज़ अ 4000 वाट एरर 5% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द ट्रू पावर पास थ्रू द 1000 वाट, देन द रिलेटिव एरर इज, रिलेटिव एरर कितनी आएगी ये उसमें पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन का 5% जो है वो आपका 4000 है, अगर ये 1000 हो जाए तो रिलेटिव एरर हमें बताना है। दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे, 4000 का आप 5% निकाल लीजिए, ठीक है, तो जैसे आप इसमें 5% निकालेंगे आपका आएगा 200, ठीक है। अब इसमें निकालना है इसमें एक ओवरऑल वैल्यू इसकी किस प्रकार से निकालेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा 20%, कितना निकल के आएगा 20%, जो एरर है वो इसमें 4000 है 5% के केस में, तो 1000 के केस में कितनी होगी। अगर इसमें आप देखिए डायरेक्ट कंसेप्ट है, इनवर्स रिलेशन समझ सकते हो कि एरर इक्वल्स टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू अपॉन देयर वैल्यू, ठीक है ना, और रिलेटिव एरर ही इसमें पूछी, रिलेटिव एरर बराबर होता है आपका एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इसमें इसका रेशियो उससे हम कर सकते हैं, तो ये 4 times अगर ये कम हो रहा है तो एरर 5 times बढ़ जाएगी, तो 5 × 4 यानी कि 20%, ठीक है। द वैगनर अर्थिंग डिवाइस ये क्या होता है, ये फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है द सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेजेस, स्ट्रेन गेज किस पर डिपेंड करेगा, क्या होगा, तो स्ट्रेन गेज डिक्रीज करेगा। सेमी कंडक्टर है आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेन गेज की जब भी हम बात करेंगे या गेज फैक्टर की हम बात करेंगे तो ये डेल्टा आर बाय आर होता है। सेमी कंडक्टर अगर आपका इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन गेज कम होगा, इस प्रकार से चलेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर तो वो अलग ही कंडीशन डिक्रीज करता है स्ट्रेन गेज, इतना याद रखिएगा। एंडरसन ब्रिज में क्यू फैक्टर कितना होगा, हमें पता है एंडरसन ब्रिज का उपयोग इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, जैसे हे ब्रिज का उपयोग भी करेंगे, मैक्सवेल भी, ओन्स भी, और आपका आपका एंडरसन हो गया, ये हो गया, ओन्स हो गया, मैक्सिमम, ओके ठीक है, मैक्सवेल ओके ठीक। तो मैक्सवेल का उपयोग करते हैं हम लोग, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो 1 से 10 के बीच। एंडरसन जो है, एंडरसन का उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे इसके पहले आता है हेब्रिज, तो हेब्रिज का उपयोग करते हैं 10 से ज़्यादा के लिए, एंडरसन का करते हैं 1 से कम के लिए, और ओन्स का करते हैं बहुत ही कम के लिए, ठीक है, तो लेस देन 1 हो जाएगा दिस आंसर। अगला है बोलोमीटर इज ऑपरेट बाय विच इफेक्ट, जो बोलोमीटर होता है ये किस इफेक्ट पर डिपेंड करेगा, ये करेगा हीटिंग इफेक्ट। टॉक टू बैटरी रेशियो आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। मिनिमम चेंज इन इनपुट क्वांटिटी, मिनिमम जो चेंज कर रहे हो आप इनपुट क्वांटिटी में, ये कहलाता है आपका थ्रेशोल्ड, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर, बोलोमीटर क्या मेजर करेगा, ये कहता है माइक्रोवेव पावर। सीआरओ कैन नॉट बी यूज टू मेजर, सीआरओ का उपयोग किसके लिए, मेजर करने के लिए नहीं करते, पावर। नेक्स्ट है द स्वीप फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीआरओ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 MHz, ठीक है। और लास्ट है इंडक्टर टीक्स टू जीरो पॉजिटिव विद जीरो इनिशियल कंडीशन एक्ट एज, किसकी तरह काम करेगा, तो कह रहा है अगर जीरो इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर टीक्स टू जीरो पॉजिटिव पर किसकी तरह काम करते है, करता ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें हो जाएगा आपका दिस आंसर ओपन सर्किट। नेक्स्ट है कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज, अगर इनिशियल चार्ज दिया है तब कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है भाई,
तब कैपेसिटर आपका अगर ये दिया है तो ये करता है आपका वोल्टेज सोर्स की तरह। नेक्स्ट है टेलिंग्स थ्योरम, इज एप्लीकेबल लीनियर नॉन लीनियर दोनों में होगा। यूनिट रैंप फंक्शन का आप अगर इंटीग्रेशन करोगे, परसी होता है ठीक है, तो इसका अगर रैंप का करोगे इंटीग्रेशन तो पैराबोलिक आ गया, तो आंसर ये हो गया। दोस्तों ये आपने अभी पुराना जो पेपर मैंने लगवाए थे नेटवर्क के, तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें आ गया है, कॉपी पेस्ट हो गए, तो आप देख सकते हैं आपका रिवाइज भी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एलिमेंट ऑफ द सर्किट, तो एक्टिव कौन सा आपको पता है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स होते हैं, ओके ना, ये आसानी से क्लियर हो रहा होगा। हमें इसमें 47 को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको, इस सर्किट को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। 10 × 8 वोल्टेज हो गया आपका कितना, 80, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 10, और 10 और 2 आपका सीरीज करेंगे तो 12 हो जाएगा। जिसको नहीं आता मैंने पुराने वीडियोज डाले हैं, आप उन्हें देखिए, समझिएगा सर्किट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अभी तो मैं आपको डीपली नहीं समझा पाऊंगा, है ना। अब जो ई नॉट यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है ये प्लस है, ये माइनस, ये पॉइंट आपका एक ही है तो ई नॉट मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे, ई नॉट माइनस, या आप 10 × 8 करेंगे तो 80 बन गया, 80 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज सर्किट बन जाएगा पैरेलल से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ई नॉट माइनस जो आएगा आपका 80 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 + 2 = 12 प्लस ई नॉट माइनस 16 × 6 प्लस ई नॉट अपॉन 12 = 0 12 आ गया एलसीएम, ई नॉट माइनस 80 या आ गया 2 E0 - 32 प्लस E0 = 0 E0 हो गया आपका 2 और दिस 2 एंड 4 E0 ये हो गया -40 इक्वल में जाएगा आपका हो गया 80 ये हो गया 90 ठीक है ना 112 इक्वल में हो गया आपका 112 आप इसे काट देंगे E0 = 4 2 8 ठीक है 8 एंड 32 हो जाएगा और 8 यानी कि E0 = आ गया 28 तो आपको इसमें आ जाएगा जो आंसर मिलने वाला है वो है आपका 28 क्लियर है तो आंसर आ जाएगा आपका 28 दिस इज योर आंसर क्लियर हो गया होगा सभी को कि हम लोग कैसे इसे डील कर रहे हैं बहुत ही आसान है और समझते जाइएगा इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं 1 μF दिया गया तो एनर्जी इक्वल टू होता है भाई ½ CV² तो हाफ हो गया सी आपको 1 μF × 12 हो गया है इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा आप काटेंगे 144 को 72 तो 72 μF है माइक्रो 10⁻⁶ होता है 72 दिस इज आंसर क्लियर हो रहा होगा ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क है ट्रांसमिशन पैरामीटर कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी की बात कर रहे हैं रेसिप्रोसिटी होता है AD - BC = 1 दिस इज आंसर और सिमेट्री जो है सिमेट्री इसमें होता है दोस्तों सिमेट्री होता है A = D अगर सिमेट्री लिखा होता तो A = D कर देते इसमें रेसिप्रोसिटी पूछा गया AD - BC = 1 ऑप्शन पेपर में कभी कभी BC - AD = -1 भी लिख देते इट इज ऑल्सो करेक्ट क्लियर है। तो इन अ रेजोनेंस द मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज 2 Hz मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आप कर चुके हैं आप पुराना पेपर देख लीजिए 3/2 आंसर आ रहा था। नॉर्टन्स किसके अपोजिट होगा कन्वर्ज ऑफ द थेवेनिन थ्योरम हो गया पावर फैक्टर ऑफ द प्योर इंडक्टर कितना होता है इसका होता है 0 प्योर क्योंकि कॉस 90 लैग करता है इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में 90 लीड करता है तो कॉस 90 हमेशा 0 ही होगा क्लियर है। डीसी वोल्टेज बी इज अप्लाई टू द आरएल सर्किट द स्टेडी स्टेट आरएल सर्किट है तो इसमें कितना होगा करंट I = B/R द ग्राफ हैज़ अ 6 ब्रांचेस इतना मैसेज ये दिया तो हमें फॉर्मूला पता है V = N-1 + L तो भाई बी की वैल्यू है आपकी 6 एन यहाँ पे है एन नंबर ऑफ नोड -1 और यहाँ पर आपको मैश यानी कि लूप आपको दिए गए कितने दिए गए दोस्तों 3 3 - 1 हो गया आपका 2 6 - 2 हो गया 4 यानी कि N = हो गया आपका 4 तो N = 4 मिल जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चार हो गया था ठीक है ना इसका ये हो गया आगे हाफ पावर फ्रिक्वेंसी द करेंट इन द RLC सर्किट हाफ फ्रिक्वेंसी द करेंट इन द RL सीरीज सर्किट ठीक है तो ये कितना होगा इस केस में आता है 1/√2 ऑफ करंट एट अ रेजोनेंस ठीक है। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन RLC सर्किट अफेक्टेड बाय ये ऑल ऑफ द अबव RLC के कारण से फॉलोइंग फंक्शन BT = TXT लीनियर एंड टाइम वेरिएंट होता है दोस्तों तो ये हो गया लीनियर ठीक है। टाइम वेरिएंट तो इसमें कहीं लिखा नहीं है इनवेरिएंट लिखा और मिलमैन थ्योरम का उपयोग करते हैं हम लोग वोल्टेज करंट को मेजर करने के लिए तो ये आपके इसको सिलेक्टिव क्वेश्चन थे जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए आप इस पेपर को बहुत अच्छे से लगाएं आपको शुरू में मेजरमेंट के क्वेश्चन मैंने कराए इसके बाद हमें कुछ नेटवर्क के क्वेश्चन किए और ये कुछ सेम क्वेश्चन पहले वाले जो मैंने नेटवर्क का पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी थे। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें जितना शेयर हो पाए उतना करिए ताकि इसका एडवांटेज सभी को मिल पाए ओके दोस्तों आप सभी को भेजेंगे
आपको भी काफ़ी सारी ब्लैसिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी लोगों का अगर इसमें भला होने वाला है तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अपना ही फ़ायदा ना देखें, दूसरों का भी फ़ायदा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। ओके ओके, इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस जो हैं वो डालता रहूँगा, और मैं सारे वीडियोस लिंक कर दूँगा। आप लोग आई जो ऊपर बटन आता है, आई का सिंबल आता है, उस पर क्लिक करके आप देखते रहिएगा, वीडियोस आपको सारे मिलते रहेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।